हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको अपना रूम टूर, जैसा आप लोगों ने कहा था पिछले वीडियो से कमेंट में, वो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा रूम नंबर 92, हॉस्टल नंबर 7 में मैं रहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा बाहर का दिखा देता हूँ। बाहर का आप देख सकते हो कैसा लगता है। ये मेरे मतलब रूम के सामने एक ग्रीनरी टाइप का है, लॉन आप कह सकते हो बेसिकली। एंड ये आप देख सकते हो पूरा कितना काफ़ी अच्छा है। पूरे रूम बने हुए हैं, इधर रिंग में बना हुआ है, इधर रूम बने हुए हैं, फिर आगे इधर भी रूम्स हैं, एंड वो सामने एक और हॉस्टल है। बाकी इधर नीचे मेस भी है। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब हम रूम के अंदर चलते हैं, चलो। तो रूम नंबर 92 हम अंदर जाते हैं। तो ये रहा रूम, ठीक है। तो दो रूम मिले हैं क्योंकि इस बार सिंगल रूम नहीं मिला। एक्चुअली में इस बार क्या हुआ है ना कि दो लोगों को एक साथ रखा है, तो इस बार रूममेट भी मिला है। पहले क्या होता था कि एम्स में सिंगल रूम मिलता था, बट इस बार डबल रूम मिले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रूम। तो सबसे पहले ये स्विच कहते हैं, एक ट्यूबलाइट इधर, फिर एक ट्यूबलाइट उधर, एक पंखा इधर, और दो बेड्स मिले हैं, एक मेरे हैं एक मेरे रूममेट के हैं। देन फिर उसके बाद एक अलमीरा मुझे मिली है, ये मेरी अलमीरा है, और फिर ये मेरे रूममेट की अलमीरा है, ये आप देख सकते हैं उसकी अलमीरा है। देन फिर ये वाइट बोर्ड, मतलब पहले से इंस्टॉल नहीं था, मैंने खुद इंस्टॉल कराया क्योंकि मैं बहुत ज़रूरत पड़ती थी चीज़ें लिखने की जो मैं डेली करता हूँ ना, जैसे डेली टारगेट्स मेरे होते हैं तो मैं वो एक जगह पर लिख लेता हूँ जिससे मैं बार बार भूलूँ नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है कि आज मुझे 4 जून को क्या करना था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई वाली चीज़ें लिख लेता हूँ। ये एक हैंगर दिया हुआ है एम्स वालों ने। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये एलेक्सा मैंने खुद इंस्टॉल कराया था अपने रूम में, मतलब प्री इंस्टॉल नहीं है ये सब चीज़ें। एंड ये स्टूल भी मेरा खुद का है। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये थ्री रैक्स दिए हुए हैं, एक दो और ये एक तीसरा नीचे रैक दिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड रूम में हैं, ये मेरा फर्स्ट रूम था, दो बेड आपने देख लिए, एंड उधर क्या कहते हैं पावर स्विचेस भी दिए हैं जिस पर आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। चलो एक इधर भी दिया हुआ है, ये भी देख लो। अब हम अपने नेक्स्ट रूम पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट रूम है, तो ये देख सकते हैं मैंने वाईफाई इंस्टॉल कराया है। मतलब आपने देखा होगा कि एम्स में वाईफाई इंस्टॉल होता है, बट एक्चुअल में एम्स के वाईफाई की जो रेंज है ना वो मेरे रूम तक नहीं आती थी, इसलिए मुझे खुद से एक और कराना पड़ा। और ये वाईफाई है। देन ये मेरे रूममेट के टेबल एंड चेयर है, ये एम्स वालों ने प्रोवाइड की थी। देन फिर उसके बाद एक वॉश बेसिन है, एम्स वालों ने प्रोवाइड की थी। देन एक मिरर लगा हुआ है। फिर ये एसी मैंने खुद इंस्टॉल करवाई है, मैंने और रूममेट ने मिलके। बाकी आप और देखना चाहते हो तो ये मेरा टेबल है, स्टडी टेबल, जहाँ से मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ या फिर मैं यहीं पर आके पढ़ाई भी करता हूँ अपनी। फिर यहाँ पर मेरी कॉपी किताब रखी हुई है, इन सारे रेक पर 3 रेक हैं, ठीक है। तो सब पे कॉपी किताब रखी हुई है। बाकी ये एसी का प्लग है, ये लैपटॉप, पेन टैब एंड एवरीथिंग। एक ये ड्रॉर दिया हुआ है, आप देख सकते हो ड्रॉर में चीज़ें सामान रखे हुए, ठीक है। तो ये एक ड्रॉर भी मिलता है स्टडी टेबल के साथ। बाकी इतना ही है। इस गेट के पीछे भी एक हैंगर लगा हुआ है कि कपड़े आप रख सकते हो। बस यही है रूम टूर। मैंने अपना रूम कुछ मॉडिफाई नहीं कराया, जैसा आपने देखा होगा और वीडियोज़ में एम्स के कि रूम मॉडिफाई कराए हैं, बट मैंने नहीं कराया अभी रूम मॉडिफाई, क्योंकि अभी मैं नया नया आया हूँ और मे बी विद द टाइम मैं अपना रूम मॉडिफाई करा लूँगा। तो यार मैंने अपना पूरा रूम टूर करा दिया है आप लोग को, कि अगर आप भी एम्स दिल्ली में सेलेक्ट होकर आते हो तो आपको कैसा रूम मिलने वाला है आपके फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अभी आपको सिंगल रूम नहीं मिल सकता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल रूम्स, हम लोग को भी नहीं मिले थे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, अभी नीट के लिए 2 महीने 2.5 महीने जो बचे हैं, अगर पोस्टपोन होगा तो 2.5-3 महीने हो जाएंगे, बट अगर पोस्टपोन नहीं भी होता है तो 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। और रूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई और भी वीडियो एम्स के रिलेटेड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं गए हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पर मैंने अपने सारे नोट्स एंड ऑल जितने भी मटेरियल्स हैं जो मैं पढ़ाई करता हूँ वो मैं शेयर कर चुका हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।